नमस्कार मित्रों, जय गौ माता हर हर महादेव। ये हमारी गौशाला का कुबेर नाम का बूथ है जिसकी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और इनकी काफ़ी सारी बछड़ियाँ हमारे पास हैं और हम दूध कभी सेल नहीं करते हैं, हम सारा दूध बछड़ियों को और बछड़े को ही पिला देते हैं। और हमारे पास काफ़ी सारी गिर गाय, गिर नस्ल की गाय हैं जो हम आपको दिखाते हैं अभी। जमुना ये है हमारी जमुना करके गाय है जो हमारी गौशाला के नाम पे हमने इसका नाम रखा है और इसका नाम है जमुना। और ये जो गाय है हम आपको दिखा रहे हैं, ये है हमारी जो इसका नाम हमने रूपा रखा है। इसका पूरे दिन का अभी 26 किलो दूध है, आज 10वां दिन हो गया है इसने बछड़ा दिया हो और बछड़ा भी बहुत अच्छा आया है। और ये है हमारी गाय पूनम जिसकी अगले भेद की बछड़ी ये है, हम आपको दिखाते हैं। ये जो बछड़ी है ये आप देख सकते हो, ये जो पूनम करके गाय है उसकी बछड़ी है और ये अगले साल की उसकी बछड़ी है, 1.5 साल की हो गई, जिसकी फन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही शानदार बछड़ी। इसको हमने पूरा दूध पिलाया था पूरे बेतर का और अभी भी उसकी मदर का दूध यहीं पीती है, ये दूसरे बेतर का भी उसका बछड़ा दूध पी जाता है, जो बचता है दूध अभी वो ही पी जाती है वो पूरा दूध। और ये उसकी माँ है जिसका नाम पूनम है। पूनम ये है, पूनम दूसरे बेत की गाय है जिसके नीचे अभी पूरे दिन का 28 किलो दूध आ रहा है। और ये अब मेरे फ्रेंड जो बंटी भाई हैं उनके पास से हम लाए हुए थे, जो अहमदाबाद में उनकी गौशाला है, बहुत अच्छे ब्रीडर हैं वो भी। और ये है हमारी सबसे बेस्ट वाड़े में और ये है हमारी भद्रा जो हमारे वाड़े में सबसे बड़ी और बेस्ट गाय है और जो भेंशोरी से है ये गाय। और इसका मिल्क पूरे दिन का 28 किलो अभी आ रहा है और इसका बछड़ा बहुत अच्छा है जो इसके नीचे जो हम बुल करने वाले हैं अभी, जो कुबेर के बाद अभी हम इसको ही बुल करने वाले इसके बछड़े को ही। ये बहुत अच्छी गाय है और ये बहुत शांत स्वभाव की गाय है जिसका नाम है भद्रा और सबसे बेस्ट गाय है हमारी ये वाड़े की, जो जमुना के बाद इसका नंबर आता है हमारे वाड़े में। और हम आपको दिखाएंगे और दूसरी गाय, और ये है कपिला जो पहले वितर पे बच्चा देने वाली है। और पहले वितर पे कोई गाय ऐसी होती है वो जो इतनी साइज में बड़ी हो और इसकी जो मतलब फेस कट है बहुत ही अच्छा है, इसके जो आँख की जो मतलब कान जो आँख उसका मुंह एकदम बहुत छोटा है और बहुत ही शानदार गाय है और इसको कपिला बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी। और एक गाय हम आपको दूसरी दिखाते हैं जो मतलब है पालिया जगह से है, जिसका नाम बंकल जो भूल था मैं पालियाद में बनकर गौशाला करके है, ये उसी की है। और ये अपने राज नाम का अपने पास एक बुल था, उससे प्रेग्नेंट है और अभी ये 7 महीने की गाभिन है और एक टाइम का 7.5 किलो बच्चा दूध देने के बाद पीने के बाद इतना दूध देती है, बहुत अच्छी गाय है। और ऐसे कलर वाली गाय ओरिजिनल जो गिर नस्ल में बहुत ही कम मिलेगी आपको। और हमारे पास सारी हम आपको जो अपने कुबेर का रिजल्ट है वो सब दिखाएंगे। और हमारे पास एक दूसरी गाय है तो ये भी हमारी बहुत फेवरेट गाय है और ये जसगढ़ से है ये गाय और इसके नीचे अभी बछड़ी है और अपने कुबेर से ये भी प्रेग्नेंट हो गई है अभी और 7 महीने की प्रेग्नेंट है, इसने बच्चा दिया वो 8-9 महीना हो गया है, इसकी बछड़ी भी बहुत अच्छी है। और ये है हमारे भद्रा का बछड़ा जो हमारे वाड़े की जो बेस्ट गाय है उसका, ये हुआ 2 महीने का, ये अभी पूरे दिन का मतलब मान लो कि 20-22 किलो दूध पी जाता है। जो हम नेक्स्ट टाइम इसे बुल करने वाले हैं और ये है हमारी अर्जुन की बछड़ी और ये हमारा दमा जो हमने नेक्स्ट टाइम एक वीडियो में आप सबको कहा था कि जो पूरे दिन का 35 किलो दूध पी जाता है और अपने जो कुबेर नाम का बुल है उसका ही बछड़ा है और इसका नाम हमने धर्मेंद्र रखा हुआ है, ये भी बहुत शानदार है। चल दमा
इसका नाम हमने धर्मेंद्र रखा हुआ है। और ये बछड़ा जो साइड में आप देख रहे हैं, ये इससे एक महीना बड़ा है। एक महीना ये जो बछड़ी जितनी भी आप देख रहे हैं वो सब 5 महीना कोई 6 महीना इससे बड़ी है। फिर भी मतलब ये बछड़ा पूरे दिन जो भी 35-36 किलो दूध पी जाता है और दोपहर को छाछ पीता है वो अलग से। और हम सब बछड़ियों को जितनी भी है बछड़ी है बछड़े सब हैं इनको खुला दूध पिलाते हैं। हल्दी देते हैं, सतावरी देते हैं और कई सारी औषधियाँ हैं जो हम उस पर पाउडर बना के पीस के हम छाछ में डाल देते हैं और दोपहर को हम एक टाइम सबको छाछ पिलाते हैं। और आपको कोई भी मतलब मान लो ऐसे बछड़े डेवलप करने हो अच्छे अच्छे नस्ल के और आपके पास मान लो कि वो बछड़े का विकास ना हो तो आप हमें फ़ोन करके हम जान सकते हैं। हमारा नंबर नीचे रहेगा यूट्यूब में चैनल में, आप कभी भी जान सकते हैं। कभी भी आपको मान लो कि बच्चे का ग्रोथ नहीं होता हो, कोई अच्छी नस्ल की आपके पास गाय है उसको आपको अगर इस तरह का शानदार बुल बनाना है तो आप बेशक दे सकते हैं। ये हमारे सूरत में ही हमारे एक फ्रेंड है जो इसका नाम निखिल भाई है, बहुत अच्छे शानदार ब्रीडर है और उनकी गौशाला बहुत बड़ी है। उन्होंने ये बुल परसों ही मांगा था हमारे पास 8.5 लाख में, लेकिन ये हमें सेल नहीं करना है, हमें रखना है इसको और हमारी गौशाला पर मतलब। और हम सिमन बिमन कुछ नहीं बनाते, इसीलिए प्लीज़ जो भी सिमन के बारे में जो भी हमें कॉल करते हैं वो कॉल मत करो, हम डोज नहीं बनाते, हम नेचुरली सर्विस देते हैं। जो भी बछड़े बुल है हमारे गाय की हम कभी भी सिमन में मानते भी नहीं हैं और सिमन में नहीं तो इतना कुछ अच्छा रिजल्ट आता है। इसीलिए प्लीज़ सिमन वाले कोई भी भाई साहब हो वो हमें प्लीज़ कॉल मत करें, क्योंकि ये हमारे नॉलेज के बाहर की बात है। और एक हम दूसरी गाय दिखाने जा रहे हैं आपको जिसका नाम ये वाइट काबरी है, जो ये बहुत ही शानदार गाय है, हर साल इसकी बछड़ी आती है और ये बहुत शान स्वभाव की गाय है, इसके मतलब अभी एक भी थन नहीं रहे हैं और हर साल बछड़ी देती है, हम इसको रख रहे हैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे बुल से। और ये भी अपने कुबेर जो बुल है उससे प्रेग्नेंट है अभी और बहुत अच्छी गाय है, ऐसा कलर बहुत कम दिखने को मिलेगा।